नमस्कार दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और बहुत ही बुरी खबर। जी हाँ दोस्तों, अभी पूरा देश हिल गया है। दो मिनट पहले बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों भूकंप आया है। अभी की सबसे बड़ी खबर नेपाल के काठमांडू से आ रही है। यहाँ पर दोस्तों 4.3 की तीव्रता से ज़बरदस्त भूकंप आया है, जिसकी वजह से दोस्तों भारी नुकसान भी हुआ है। यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। आए दिन पृथ्वी पर तेज भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं। आज दोस्तों 11 जून 2022 को सुबह नेपाल का काठमांडू शहर एक बार फिर से भूकंप के झटकों से दहल गया है। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 मापी गई है। कई लोगों की नींद उड़ गई है और उन्हें बाहर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र ने देर रात 2:36 पर दोस्तों भूकंप दर्ज किया गया था। भूकंप का केंद्र राजधानी शहर से 15 किलोमीटर पूर्व में भक्तपुर जिले में था। भूकंप काठमांडू घाटी और उसके आसपास भी महसूस किया गया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दोस्तों नेपाल से आ रही है। दूसरी और आपको बता दें, पिछले 48 घंटों में फिलीपींस के अंदर भी दोस्तों लगभग 80 बार तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। और यहां पर दोस्तों आपको बता दें, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है, जिसकी वजह से लाखों घरों को नुकसान। उधर चीन के अंदर पिछले 24 घंटों में 2 बार भयंकर भूकंप, और चीन में इस समय बाढ़ बर्बादी, लाखों घर का नुकसान, साथ ही दोस्तों सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई है। नेपाल, वही दोस्तों चीन, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन देशों के अंदर तेज भूकंप, भारी बारिश, बाढ़ बर्बादी हो रही है। तो आप सभी अलर्ट रहे, भारी बारिश आंधी तूफान के चलते बाहर ना निकले। वर्तमान में आपके जिले का मौसम कैसा, कॉमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।